तो मैं इन सारी चीजों पर बात करूंगा। लेकिन बहुत ही अच्छा फैमिली टीम है विराट जोशी जोशी। नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय और मेरे साथ हैं श्री संत, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। 2005 से हम लगातार देख रहे हैं, जब उन्होंने वनडे क्रिकेट खेला, टेस्ट क्रिकेट खेला, उसके बाद 2007 तो किसी को भूल ही नहीं सकता, क्योंकि जो आखिरी कैच लपका उसके बाद तो शायद वो दो तीन चार लम्हे अगर आप हम गिनेंगे इंडियन क्रिकेट में, उनमें से एक लम्हा है जो आखिरी फोकस जाता है वो श्री संत पर जाता है। तो मैं इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले लीजेंड्स लीग की बात, चूँकि हम लीजेंड्स लीग में अभी हैं, श्री संत लीजेंड्स लीग में खेल रहे हैं और लगातार हर मैच में विकेट ले रहे हैं। बहुत कम खिलाड़ी हैं ऐसे इस दौर में या किसी भी टूर्नामेंट में जो लगातार विकेट लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और पहले तो यही कि ये क्या राज है कि आप जो है 2005 से चल रहे हैं और अभी भी हर मैच में विकेट लिए जा रहे हैं। भगवान की शुक्र है, अच्छा कर पा रहा हूँ और पूरी टीम मैनेजमेंट सपोर्ट भी दे रहे हैं और स्पेशली इरफान, करेक्ट टाइम पे बॉलिंग मिलते और कभी भी बॉलिंग मिलते T20 और फॉर्मेट है, T10 फॉर्मेट में सही है कि यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, रन तो जाएंगे बट विकेट बहुत ज़रूरी होते हैं और अभी भी है, अभी भी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना अच्छे टूर्नामेंट में एक मौका मिला है तो उसका पूरा इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और कल सबसे बड़ा फाइनल, इस को फाइनल के लिए हम वेट कर रहे हैं और यू नो दो बार हम उनसे हार चुके हैं और मलयालम में एक कहावत है उन्निल पिडचाल मूनो, उसका मतलब है कि अगर एक नहीं तो दो, दो नहीं तो पक्का तीन, तो तीसरी बार हम मिलने वाले और वो भी फाइनल में ज़रूर हम उनको हराएंगे और हम जीतेंगे। ससुराल तो राजस्थान जयपुर में है तो अपनी मैं तो इधर का जमा ऐसा हूँ और पूरी शेखावत फैमिली और पूरी जयपुर के लोगों के लिए जीतूंगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप जीतें और इसलिए भी मुझे लगता है कि आपकी टीम जीत की हकदार है, क्योंकि जब मैं लीजेंड्स लीग की लिस्ट देखता हूं ज़्यादा रन बनाने वालों की या विकेट लेने वालों की तो उसमें आपकी टीम के ही खिलाड़ियों के नाम हैं आप बस। लेकिन एक जो गड़बड़ हो रही है कि इंडिया कैपिटल से आप मैच हार जा रहे हैं। कोई बात नहीं है क्योंकि जो भी मैच हमने खेला है वो बहुत टाइट मैचेस ही, ऐसा नहीं कि वन साइडेड हारे, वन साइडेड तो हमने बहुत लोगों को हराया है और दिल्ली कैपिटल्स का और जो भी मैच देखे या फिर दिल्ली टीम या फिर गुजरात का भी टीम जो भी देखे उनको आपको पता है कि हम हमेशा अच्छे किए हैं और टाइट मैचेस रह चुके हैं, इधर उधर हुआ है बट जैसे हम जीत रहे सबसे ऐसे बहुत कम टीम जीत रही है और पूरी टीम को पता है कि हमारे बॉलिंग या बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है और इरफान की कप्तानी भी दाद देना पड़ेगा क्योंकि यूसुफ एंड इरफान जो भाई भाई का जो रिश्ता और उनका जो ऑब्सेशन और पैशन वो तो है, कमाल की, बहुत कमाल की और जीतना ही जीतना है वही है हमारा। तो आपको क्या लगता है आपकी टीम की प्लस पॉइंट क्या है, बैटिंग या बॉलिंग? हमारी टीम का प्लस पॉइंट है कि बिलवाड़ा किंग्स एक बहुत ही अच्छा फैमिली टीम है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम जब मीटिंग करते हैं या फिर ग्राउंड में है कि हम दोस्त लोग या फिर ऐसे टाइम पास कर रहे हैं और अपने जो पूरी परिवार है बिलवाड़ा जो फैमिली से हम मिले, रिजू जी से लेके सारे उनकी पूरी परिवार से भी मुलाकात हुआ था जोधपुर में और उनकी जो सपोर्ट है वो एक अलग तरीका से है और आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छा, एक बात मैं चलूँगा इस भीलवाड़ा किंग्स और लीजेंड्स लीग से थोड़ा सा हट करके T20 वर्ल्ड कप की तरफ, क्योंकि जब कभी बात आती है तो वर्ल्ड कप के बिना श्री संत की बात या श्री संत के बिना वर्ल्ड कप की बात पूरी नहीं होती है। तो ये जो श्री 2007 का वर्ल्ड कप रहा और इस वर्ल्ड कप में एक बड़ी सिमिलरिटी मैं देखता हूँ कि दोनों में ही पहली बार तो कुछ खिलाड़ियों को जानबूझ करके रेस्ट दिया गया था और इस बार एक दो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, बुमराह हैं, जडेजा हैं, तो क्या उनकी कमी खलने वाली या एक जोश जो जैसे कि पहली बार हमें देखने को मिला था 2007 में वैसा ही रहेगा? मुझे मेरा यही दुआ है कि जो टीम अभी सेलेक्ट हुआ है उनको ही सपोर्ट करे और यस बहुत सारे लोगों का परफॉर्मेंस सब बेस्ड है मगर इंजरी के कारण कुछ लोग है ही नहीं, कुछ लोग है जैसे 2007 में भी ऐसे ही हुआ था और कुछ लोग रेस्ट लिया था और हमने जीत गए थे। तो अभी 15 साल से पहले हम जीते थे, अभी मुझे पूरा यकीन है कि इस साल बहुत ही अच्छा टीम जा रहा है और हमें सपोर्ट करना चाहिए बट लोग बोलते हैं कि वो प्रैक्टिस मैच शुरू हो जाता है वो यू नो विनिंग मोमेंट्स, अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर यही रिदम और यही मोमेंटम से हम ऑस्ट्रेलिया पहुँचे और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रैक्टिस मैचेस वगैरह में अच्छा कर पाए तो मुझे पूरा यकीन है, जैसे कि हम 2007 में भी जीते थे और 2021-22 में भी जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे जी। जैसे हमारे मैंने कहा दो खिलाड़ी का जिक्र किया, जडेजा और बुमराह, जडेजा चोटिल हैं लेकिन हम हार्दिक पांड्या हमारे साथ हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं हमारे पास दो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं शायद इसलिए। बुमराह की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बुमराह की कमी कौन पूरी करेगा?
बुमराह की कमी पूरी करने के लिए कभी तो बहुत ही अच्छे बॉलर्स है, यू नो वर्षदीप भी अच्छा डाल रहा है। अरे मैं तो ये बोलूँगा अभी जो भी रिप्लेसमेंट आया है उन सबको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसको हम मौका मिल रहा है ऐसे इंडियन क्रिकेट फैन ऐसे जर्नलिस्ट या फिर ऐसे क्रिकेटर, हम कुछ भी किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं, बट ऐसे इंडियन की तरफ से देखे या फिर एक इंडियन क्रिकेट फैन की तरफ से देखे तो यू हैव टू सपोर्ट द टीम जो सिलेक्ट हुआ है, और जिसको भी मौका मिल रहा है उनको पूरा एनर्जी दो और स्पिरिट दो, और यू नो इट्स क्योंकि हम लोग तभी जीत पाएंगे जब पूरी मीडिया और पूरी दुनिया और जो क्रिकेट फैंस है जो हमें सपोर्ट करेंगे। तो मैं रिप्लेसमेंट की तो बात नहीं करूँगा, जो टीम अभी 11 में खेल रही है या फिर 15 में ऑस्ट्रेलिया जा रहा है उन सबको शुभकामनाएं, और मुझे पूरे यकीन है अगर आप तन मन लगन से खेलेंगे तो 2007 से भी बेहतर हम इस साल जीत पाए। अच्छा मुझे जब श्री संत को इमेजिन करता हूँ, मैं पुराने श्री संत को याद करता हूँ, तो मुझे वो श्री संत भी आता है जो आगे बढ़ करके छक्के लगाता है और डांस करते हुए जाता है, जब बोल्ड करते हो आप, जैसा कि मैथ्यू हेडन को बोल्ड किया था आपने T20 वर्ल्ड कप 2007 में, तो वो एक जो जोश है, वो जो जोश भरने वाला खिलाड़ी है, इस टीम इंडिया में कौन दिखता है ऐसा जोशी? विराट तो जोश ही जोश है, और उनसे जैसे कि मूवी में पूछा था हाउ इज योर जोश, उनके तो हाई भी नहीं उससे भी बेहतर है जी। मैं तो बोलता हूँ स्काई इज़ नॉट द लिमिट, हमारा एक छोटा सा कंपनी भी है उनमें, हमारा टैगलाइन ही है स्काई इज़ नॉट द लिमिट, तो हमारे टीम में ऐसे मंदे है स्काई भी है, हमारे पास रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, क्या बोलूँ यार, हमारी टीम इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है, और इसे वर्ल्ड लेवल नहीं तो बोलते क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतर टूर्नामेंट IPL हमारे दुनिया में हमारे जगह होता है, और उनका वर्ल्ड लेवल ही तो है हम लोग, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनको जीतना चाहिए, क्योंकि 2007 में तो ऐसा टीम तो था ही नहीं। अच्छा एक मैं इसे दूसरे नोट पे ले चलूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट में बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, कुछ कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, दो कंट्रोवर्सीज हुई हैं अभी हाल फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में, एक तो हमने मांकनिंग जिसको कहने के मना कर दिया गया है, मांकनिंग नहीं है रन आउट है, लेकिन दुनिया में अभी भी मांकनिंग कही जा रही है, कभी नहीं सुना है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड में जो बिल्कुल, क्योंकि रन आउट है अंडर लॉ के तहत रूल्स में है, तो उसमें बड़ा विवाद हुआ, तो क्या वही मैं समझ नहीं आ रहा, शायद वो क्रिकेट के पसंद के साथ खेलते होंगे तो रूल्स पढ़ना चाहिए।